हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 5 KVA का ट्रांसफार्मर डाटा, वो भी न्यू डिज़ाइन का। यानी कि न्यू डिज़ाइन का मतलब वो जो आज आप यूज करना चाहते हैं, जैसे डिजिटल किट के साथ में डिजिटल मीटर इनबिल्ट जो किट होती है उसके लिए ये डाटा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बॉबिन साइज की तो और कोर की। तो कोर लगेगी इसमें 7 नंबर और बॉबिन साइज होगी 7 नंबर 5 इंच। और जो इसकी प्राइमरी टर्न होगी वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन प्राइमरी जो गेज है वो है 14 नंबर वायर, और जो सेकेंडरी है वो भी 14 नंबर वायर, और जो उसकी ट्रिगर वोल्ट जो ऑपरेट करेगी इसके किट को, मीटर को, एलईडी को, वो होगी 23 नंबर वायर। अगर आप चाहें तो इसके जगह पर 22 भी यूज कर सकते हैं। और इसकी जो ट्रिगर वोल्ट होगी वो होगी 21 टर्न। और अब चलते हैं, बात करते हैं इसकी जो टर्निंग वोल्ट है। तो दोस्तों, इसकी जो टर्निंग वोल्ट है कुछ डिफरेंस है, जैसे कि इसकी जो टर्निंग वोल्ट है न्यूट्रल, उसके बाद 92 वोल्ट, उसके बाद 136 वोल्ट, उसके बाद 166 वोल्ट और अंतिम 200 वोल्ट, यानी कि 390 से 300 वोल्ट के लिए ये डाटा इसमें लगेंगी। और इसकी जो डाटा है वो होगी, आपको सिंपली 0 से स्टार्टिंग कीजिएगा और आपको फिर कभी बीच में 0 नहीं करने हैं, सिर्फ आप 0 से स्टार्टिंग है। तो इसकी, चलिए इसको प्राइमरी हो जाएगी इसको 105 टर्न, उसके बाद अगली लूप निकलेगी 155 टर्न, उसकी अगली लूप होगी आपकी 190 टर्न, और जो अंतिम लास्ट होगी वो होगी 228 टर्न। और इसको आप कभी भी बीच में 0 नहीं करना है, एक लगातार आपको करना है। तो दोस्तों, अब आ गए मुद्दे की बात, इसकी जो सारी कनेक्शन है, डायग्राम है, कौन सी किट यूज करनी है, वो सब मैं अगले वीडियो में, यानी कि ये सीरीज ख़त्म होने के बाद उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी कनेक्शन आपको कैसे करनी है, कौन सी रिले की यूज करनी है, कितने KVA स्टेबलाइजर में, कौन सी MCB करनी है, और किट का कनेक्शन कैसे होगा, कैसे उसकी ट्यूनिंग करनी है, और उसकी फुल सेटिंग कैसे करनी है, वो सारे मैं अगले आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में आपको हर तरह का डाटा उपलब्ध करवाना हमारी जिम्मेवारी हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे आशा करते हैं कि हम मैं परफेक्ट डाटा बताऊँ। तो इसके बाद आपको 90 से 300 के बाद 90 से 440, उसके बाद 90 से आपको 440 के बाद आपको 140 से 440, और उसके बाद 200 से लेकर 500 तक, यानी कि डबल फेज के लिए जो स्टेबलाइजर होंगे उनकी डाटा बताऊंगा। और जहां कम वोल्टेज होते हैं जैसे 50, वहां से 50 से लेकर 300 वोल्ट तक के लिए स्टेबलाइजर का डाटा वहाँ भी बताया जाएगा, और साथ में सभी का कनेक्शन। और इसके साथ में आपको बताया जाएगा कि एल्युमिनियम वाइंडिंग के लिए आपको कौन सी टर्निंग किस KVA के लिए आपको यूज करनी है, साथ में आपको कौन सी कनेक्शन, कौन सी डायग्राम होगी, उसके बाद 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर वारंटी के लिए आपको कौन सी स्टेबलाइजर, कौन सी डाटा यूज करना चाहिए। और ये सब अगर आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।